सौ से अधिक सांसदों के विपक्ष के सांसदों के निलंबन को लेकर के राजधानी भोपाल में कांग्रेस कर रही है एक बड़ा प्रदर्शन। कैसा प्रदर्शन है देखिए जरा, लगातार तस्वीरों में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बैनर लगा है, बैनर में लिखा है केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में लोकतंत्र बचाओ धरना प्रदर्शन। आयोजक लिखा हुआ है जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर एवं ग्रामीण, और इन सब के साथ में एमपी कांग्रेस के सर्वे सर्वा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में हो रहे इस प्रदर्शन में तस्वीरों में आप लोगों को दिख रहे होंगे। सबसे पहले जीतू पटवारी उठते हुए और अब मंच पर वो पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी अब आपको सुनाते हैं कैमरे के माध्यम से, सुनिए। हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई आदरणीय अरुण यादव जी, आदरणीय यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, संगठन महामंत्री राजीव सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष उपनेता हमारे हेमंत कटारे जी, हमारे विधायकगण, मोर्चा संगठनों के सभी अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी उपस्थित, यहाँ सभी परिवार के साथीगण, सारी बहनें, सीपीआई से हमारे बीच में आए हमारे परिवार के शैलेंद्र शेदी जी, मीडिया के उपस्थित साथीगण, साथियों, भारत का लोकतंत्र दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है और भारत के लोकतंत्र का पूरी दुनिया में अनुसरण भी किया गया। सबसे बड़ा देश का लोकतंत्र, दुनिया का लोकतंत्र हमारे देश का, और इसके इस पर हमें फख्र है। इस लोकतंत्र की खासियत क्या है? इस लोकतंत्र की खासियत है कि आम नागरिक का मौलिक अधिकार है अपने विचारों को स्वतंत्रता से रखना। इस लोकतंत्र की खासियत है कि ये देश सबका है और समान एक जैसे अधिकार इस देश में सबको मिले। इस देश के लोकतंत्र की खासियत है कि हर 5 साल में विश्वास और भरोसा जनता के बीच में जाकर जब पॉलिटिकल राजनीतिक विचार के लोग लेते हैं तो जनता ईमानदारी से जो मत करती है उस पर भरोसा होता है कि जनता ने जो मत दिया वो सर माथे पर। साथियों, सत्ता और विपक्ष दोनों देश की उन्नति के लिए, देश की आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक उन्नति के लिए दो पटरियां हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग जिसको मैंडेट मिलता है वो अपनी योजनाओं के आधार पर और विपक्ष उन योजनाओं पर नजर रखने के आधार पर लोकतंत्र को मजबूत करता है, देश की सेवा करता है। साथियों, अब आप देखो कि आज भारत की चुनाव प्रणाली पर कई प्रश्न उठने लगे हैं। क्या कारण है कि ईवीएम को लेकर इतने सवाल खड़े होते हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता कि ईवीएम को लेकर कोई ऐसी बात, ऐसी भावना कि आज जो हो रहा है उसको पर सवाल कितने हैं, कितने तरीके के लोगों ने अभी अलग अलग तरीके से कोर्ट में केस लगा रखे हैं, कितनी आपत्तियां आती है, कितने निराकरण होते हैं, लोकतंत्र में कैसे कैसे सवाल ईवीएम को लेकर उठने लगे हैं। दुनिया के सबसे आधुनिक देश जिन्होंने सबसे पहले ईवीएम की व्यवस्था ईजाद की थी उनने उसको छोड़ दिया, और हमारे देश में जिस तरीके के चुनाव के रिजल्ट आते हैं भरोसा नहीं होता। तो सवाल ये नहीं है कि उन पर भरोसा नहीं होता, इसका मतलब आम आदमी को उस पर भरोसा कम होने लगा है, विश्वास कम होने लगा है। तो जिस लोकतंत्र पर आम बड़े स्केल पर पब्लिक का भरोसा कम हो, इसका मतलब है लोकतंत्र में खतरा है। मैं मानता हूं कि ये सवाल कि 500 से ज्यादा विधायक और सांसद दल बदल हो गए पिछले मोदी जी आए जब से 2014 से,
ये कितना बड़ा सवाल है कि एक विपक्ष का नेता सत्ता पक्ष में चला जाता है जिसको हजारों लोग लाखों लोग चुनते हैं और उस पर एलिगेशन अलग अलग तरीके के चलते हैं। कांग्रेस पार्टी उसके लिए दल बदल कानून लाई थी, उस कानून का महत्व नहीं बचता है, तो फिर लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या है? साथियों, मैं मानता हूं कि विधानसभा और लोकसभा, देश में मंदिर है आज लोकतंत्र के, हम इनको मंदिर के रूप में मानते हैं। इनमें जाने वाले कोई सवाल खड़े होते हैं तो उस पर पब्लिक को भरोसा होता है कि लोकसभा में सवाल खड़ा हुआ है उसका कुछ निराकरण होगा, विधानसभा में प्रश्न खड़ा हुआ है इसमें कुछ न कुछ एक्शन होगा। हमारे जनप्रतिनिधि ने, विधायक ने, सांसद ने यह सवाल खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस ताकत को, जनप्रतिनिधि की ताकत को चकनाचूर कर दिया। इस एहसास को मैं जी सकता हूं। पिछले सत्र में मुझे जिस तरीके से निलंबित किया गया, कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि इस तरीके की भावना बने कि मुझे निलंबित किया जाए, पर निलंबित किया तो ये अपमान उस समय उस क्षेत्र की जनता का था जो उन्होंने मुझे कई सवाल दिए थे। ऐसा ही संसद में अभी इतने लोगों को एक साथ निलंबित कर दिया, बाहर कर दिया, उठा के फेंक दिया, ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो इसको क्या बोल सकते हैं? साथियों, अभी मुझसे पहले हमारे पूर्व वक्ता जहीर भाई बोल रहे थे, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बताया गया, वोट मांगे गए, विधायकों को एक चिट्ठी, एक फरमान दिया गया कि अब ये विधायक है, ये मुख्यमंत्री है। मतलब विधायकों की वो भावना जो अपने नेता को चुनती है, सिर्फ विधायकों का हाथ ऊंचा करके खड़ा करके रहने का केवल अस्तित्व बचा है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? मतलब अपनी पार्टी में भी जिस तरीके की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं, ये तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन की प्रक्रिया को देख के देश समझे, आम आदमी समझे, मीडिया समझे कि ये व्यवस्था क्या बोलती है। क्या विधायकों के चयन से मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति हुई या उनका चयन हुआ? कोई एहसास नहीं करता इस बात का। एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक रोने लगे, कई विधायकों ने शर्मिंदगी महसूस की, शिवराज सिंह ने एक दूसरे को ढांढस बंधाई, अखबारों की मीडिया में हमने देखा, ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हुआ। तो आपने सुना कि किस तरीके से पटवारी जो है वो बीजेपी पर हमले कर रहे हैं और बीजेपी के साथ साथ सांसदों के, विपक्ष के सांसदों के निलंबन को लेकर सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। इनके साथ में और जो कांग्रेस के नेता हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरुण यादव यहां पर हैं, उसके बाद ऋषि शर्मा पूर्व मंत्री, जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी, प्रदेश प्रवक्ता और अन्य जो कांग्रेसी हैं, मेघा परमार यहां पर दिखाई पड़ रही होंगी तस्वीरों में आपको, तो ये जो सभी कांग्रेसी हैं ये लगातार बैठ करके इस प्रदर्शन में अनुरोध करना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार पर हमले कर रहे हैं। पिछला अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है ये किस ओर मोड़ लेता है, ये प्रदर्शन आगे क्या रूप लेता है, और लगातार ऐसी ही ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट्स हैं वो आप तक पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।